there is lot of of uncertainty in the minds of students with respect to RBI grade B 2025 exam. स्टूडेंस विद रिस्पेक्ट टू आर बी आई ग्रेट बी टू थाउजेंड ट्वेंटी 2024 साइकिल सबसे पहले तो सीट्स को लेकर ही अनसर्टनिटी है है कि अब दो हजार पच्चीस में कितनी सीट्स आएंगी क्या दोबारा से दो सौ आ सकती हैं या इसी रेंज में रहेगी ये फर्स्ट पॉइंट है जो हमारे दिमाग में आता है व्हेन वी थिंक ऑफ प्रिपेयरिंग फॉर आरबीआई ग्रेड बी एंड द सेकंड क्वेश्चन व्हिच इज अबाउट द एग्जाम नेक्स्ट ईयर भैया ग्रेड बी पे रिक्रूट किया जाएगा

और एक चीज मैं यहां पे बताना चाहूंगा काफी लोग ये क्वेश्चन पूछते हैं कि अगले साल आरबीआई ग्रेड भी नहीं होगा इट्स नॉट अबाउट अबाउट आरबीआई ग्रेड ग्रेड बी नॉट हैपनिंग इट्स बी होगा या ग्रेड होगा ऐसा नहीं है नोटिफिकेशन नहीं आएगा ऐसा कुछ है है बात ये हो रही है कि ग्रेड बी होगा या ग्रेड ए होगा ठीक है इस बात को समझिए सो नो रिक्रूटमेंट फॉर आरबीआई ग्रेड बी इज नॉट द राइट टर्म इट्स मोर अबाउट आरबीआई ग्रेड बी और आरबीआई ग्रेड ए तो सबसे पहले तो इसी के बारे में बात करते हैं कि भैया आरबीआई ग्रेड बी होगा या आरबीआई ग्रेड ए होगा मैं यही बोलूंगा कि अनसर्टेनिटी जो है इस चीज को लेकर ये कोई नई ये नई नहीं है पहले भी बहुत बार ये चीजें डिस्कस हो चुकी हैं इस एग्जाम की हिस्ट्री में बट आज तक कोई एक्शन नहीं हुआ है कि ग्रेड बी को किसी और ग्रेड से रिप्लेस किया जा सके या वीडियो देख रहे होंगे ये चार साल पुराना वीडियो है अच्छे खासे व्यूज हैं ये वीडियो बनाया गया था कि दो हजार चार साल पहले के दो नोटिफिकेशन आएंगे ग्रेड ए का भी और ग्रेड बी का भी पॉइंट इज के ये वीडियो कोई मेलाफाइड इंटेंशन से नहीं बनाया गया था द पॉइंट इज दैट वट एवर वॉज बींग डिस्कस टाइम द इंफॉर्मेशन वॉज प्रोवाइडेड टू यू सौ चीजें डिस्कस होती हैं वहां पे आपको बताई जाती हैं जो आपके लिए जरूरी हैं उसमें से शायद दो ही इंप्लीमेंट हो पाती हैं नाइनटी एट अदर थिंग्स डाई एज इट इज दे आर नॉट इंप्लीमेंटेड सो मतलब हो क्या रहा है कि कुछ भी डिस्कस हो रहा है वो आपको बताया जा रहा है हम भी बता रहे हैं ऐसा नहीं कोई और लोग हम भी उसी में है लेकिन वो बाद में उसका क्या फेट है nobody knows के ये ये सच में होगा तो चीज पहले हो चुकी है नहीं इंप्लीमेंट हुई आरबीआई ग्रेड बी को हटाना कोई आसान चीज नहीं है अब ये इस साल होगी या नहीं होगी पता नहीं बट द पॉइंट इज के नहीं है या ऐसा पॉइंट नहीं है विच इज बिंग डिस्कस फॉर दर्स्ट टाइम दिस इज दर्ड टाइम Since I सिंस आई आई एम बींगर फॉर आरबीआर दिस इज बींग डिस्किली एंड दिस इज बींगो मतलब matlab is, is being, no, सोचा जा रहा है कि होगा नहीं होगा hoga अब ये होगा नहीं होगा ये तो to ही बताएगा तो हमें इसके बारे में mein overthink नहीं करना चाहिए कि ये होगा या नहीं होगा because यहाँ पे मेन पॉइंट शायद ये होता कि मैं प्रिपेयर करूँ या ना करूँ अगर मुझे लगता कि सिलेबस drastically चेंज हो जाएगा

टरी बॉडीज ऑफ इंडिया उनमें ग्रेड ए लेवल पे भी सेम ही सिलेबस पे टेस्ट किया जा रहा है तो आर बी आई ही क्यों ऐसा करेगा कि ग्रेड ए पे जाकर वो बिल्कुल ही थ्री सिक्सटी डिग्री टर्न कर देगा नाउ वी विल ओनली रिक्रूट बेस्ड ऑन योर परफॉर्मेंस इन क्वांट रीजनिंग इन इंग्लिश दैट कैन राइट बिकॉज अल्टीमेटली ग्रेड ए वु मैनेजरियल ऑफ आरबीआई रिक्रूटिंग एट ग्रेड बी लेवल और ग्रेड ए लेवल तो थोड़ा सा सैलरी कट हो सकता है थोड़ा सा एक नीचे लेवल हमें मिल सकता है बट अल्टीमेटली आई वुड से ग्रेड बी की प्रमोशन सात साल बाद होती है ग्रेड सी में ग्रेड ए को शायद पहली प्रमोशन चार साल बाद मिल जाए दूसरी अगली प्रमोशन शायद और चार साल बाद मिल जाए तो अल्टीमेटली वो शायद बेटर होगा क्योंकि अंदर जाके भी बहुत लोग फ्रस्ट्रेटेड रहते हैं कि यार ग्रेड ही है हम सात साल से सो so, हर चीज के प्रोज एंड कॉन्स हैं दैट्स अ डिफरेंट पॉइंट तो ये तो ग्रेड बी वर्सेस ग्रेड ए की कहानी हो गई नाउ कमिंग ऑन टू की नंबर ऑफ सीट्स कितनी आएंगी देखिए अब दैट आल्सो डिपेंड्स अपॉन वेदर ग्रेड बी ग्रेड ए सो आई टॉक टू फ्यू पीपल दे आर ऑल्सो से कुछ टू हंड्रेड वापिस पहुंच जाएंगे ये तो नहीं होगा भाई ऐसा कहा जा रहा है अब चेंज हो जाए तो पता नहीं बट हाँ क्या ये 66 सिक्स से एवं नाइनटी हो सकते हैं हाँ क्या ये सिक्सटी सिक्स से 60 हो सकते हैं हाँ अगर ग्रेड बी आता है बट इफ ग्रेड ए है

It's not something which is only happening in this exam. I mean, I have closely followed UPSC. I've seen how the vacancies trend have been kind of oscillating there also. Those are in UPSC mein, 1200 odd seats, thi. those are 14 mein, around 1400. And then starting 2018, the number of seats started to decline. They se were 750. Then they again started to improve. तो ये होता है हर एग्जाम साइकिल में होता है नाउ फॉर पीपल जस्ट ग्रेजुएटेड और आर गिविंग देयर फर्स्ट और सेकेंड दे माइट फील दी के यार ये हमारे टाइम पे क्यों हुआ है आई वुड से दैट्स दैट्स प्योरली योर लक बट आपके लेवल पे सोचा जाए तो द फर्स्ट थिंग दैट यू शुड बी डूइंग अबाउट दिस अनसर्टेनिटी इज टू बी सर्टेन इन योर डिसीजन दैट वॉट यू वॉन्ट टू डू कंफ्यूजन में मत रहो कि ये दूं या ना दूं कुछ और दूं बिकॉज दैट पे यू विल जस्ट वेस्ट योर टाइम आप ना इधर का कुछ करोगे ना उधर का कुछ करोगे एंड इन दी मार्च और अप्रैल मंथ व्हेन मोस्ट ऑफ द एग्जाम्स विल स्टार्ट कमिंग यू विल बी जस्ट स्टैंडर्ड इन दी मिडल यार मैंने तो कुछ भी नहीं किया ये देखो आरबीआई में भी सौ सीट आ गई डेढ़ सौ सीट आ गई अरे यार इस एग्जाम में भी दो सौ सीट आ गई पर मैंने तो कुछ किया ही नहीं सो द बेस्ट पॉइंट दैट यू शुड बी डूइंग राइट नाउ इज के यार आप कुछ डिसीजन ले लो करना है तो कर लो नहीं करना तो मत करो इट्स योर डिसीजन यू हैव टू थिंक कामली यू हैव टू वर्क फॉर इट अगर आप सोचते हो कि मैं करूंगा फिर आप ही को काम करना है आप ही अकाउंटेबल हो तो आप ही सोचो आप ही डिसीजन लो कि मुझे क्या करना चाहिए मेरे पास क्या क्या ऑप्शन है क्या मेरा इंटरेस्ट है लाइफ में मैं क्या करना चाहता हूं क्या मेरे रिस्क फैक्टर्स हैं अकॉर्डिंगली यू डिसाइड एंड डिसाइड नाउ मई जून में जाके तो एग्जाम साइकिल विल स्टार्ट आई नो लॉट ऑफ एग्जाम्स पहले ये फिर बैंकिंग एंड ऑल दैट देन यू विल डोंट गेट टाइम टू प्रिपेयर इट इज द टाइम टू प्रिपेयर डू नॉट किल दिस टाइम सो टेक योर डिसीजन नोबडी इज फोर्सिंग यू कोई आपको ये तो नहीं कह रहा कि ये एग्जाम दो आपका डिसीजन है सोचो इंफॉर्मेशन लो सोचो थिंक करो बट टेक योर डिसीजन टेक एक्शन आफ्टर दैट जो भी एग्जाम डिसाइड कर लिया है देना है उसके लिए आप पढ़ाई करना शुरू कर दो यही आपके बेस्ट इंटरेस्ट में है दैट्स सेट ठीक है और अगर आपको कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए कोई भी दिक्कत है यू कैन ऑलवेज ई मेल हेलो एट द रेट डॉट को डॉट इन और यू कैन कॉल एस दिस नंबर एट वन फोर सिक्स टू जीरो सेवन टू फोर वन वी आर अवेलेबल बिटवीन नाइन टू सिक्स पी एम टू आंसर योर कॉल्स सो दैट्स इट फ्रॉम माई साइड आई होप यू विल बी एबल टू रीच सम क्लैरिटी एंड डू समथिंग इन योर करियर ठीक है कुछ डिसीजन लेंगे करेंगे पढ़ेंगे तभी शायद कुछ बनेंगे थैंक यू जय हिंद